Good morning, class. Welcome in your JK period. Students, we are continuing with unit 2 environment around. Are you enjoying to do the unit? Yes, students. We are coming to meet with several things which we meet them in our environment. Yes. And the today's chapter, name of the today's chapter is Animal Tooth, and the page number is 17. So here we are going to meet with several animals.

क्रोकोडाइल यस स्टूडेंट एंड द सेकेंड वन इज एन एनिमल हुज लार्ज हिंड लेग्स एंड फीट हेल्प ही मिन लीपिंग उस एनिमल को क्या बोलेंगे बेटा जिसकी लंबी लंबी जो टांगें हैं उसकी और जो उसके फीट हैं उसको बहुत ऊँची छलांग मारने में आ, आ, बहुत उसकी हेल्प करते हैं एंड ही इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये भी क्लू दे दिया मैंने येस दैट इज कैंगू दैट इज

एन एनिमल हुस दिस इज़ सच एन इंटरेस्टिंग एन एनिमल हु ग्रीड्स अदर बाय शेकिंग हैंड्स एंड इज़ जस्ट लाइक ह्यूमस अब आप बताइए कौन सा वो एनिमल है जो सबसे ऐसे मिलता है हैंड शेक करता है जैसे हम एज वी ह्यूमन्स डू बताइए विच एनिमल इज़ दिस यू यू हैव कॉट इट दैट इज़ चिम्पेन्ट इज़ चिम्पेन्के नेक्स्ट इज एंड एनिमल विच इज द स्नेक्स ग्रेटेस्ट एनिमी माई गॉड जो बेटा जो सांप होते हैं स्नेक होते हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन है एंड द स्नेक्स आर रियली स्केर्यर ऑफ दिस एनिमल एंड दिस एनिमल इज मोंगूवस ओके लेटेट इंजॉय टू सी मोंगूव हैव यू जिसको हम नेवला भी बोलते हैं ना हिंदी में हैव यू सीन मोंगूव जस्ट हैव अ लुक एट हिम यस मोंगूवस एंड द लास्ट इज एन एनिमल हु इज स्ट्रिक्टी वेजिटेरियन बेटा ऐसा एनिमल कौन सा है जो कि बिल्कुल बिल्कुल शाकाहारी है बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाता बिल्कुल किसी का मांस नेवर नेवर ही ईट्स ऐसा भी एनिमल है वो बताइए कौन है वो यस द एनिमल इज जिसकी नेक बहुत लंबी है हैविंग द लार्जेस्ट नेक अमंग ऑल द एनिमल्स इज जिराफ यस yes, बेटा जिराफ जिराफ इज द स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन एनिमल यस सो आई नो And here it is some sharing with us something important. Hippopotamus can stay in water for 16 hours. Student, do you know that hippopotamus is an animal that has been in the for 16 hours. And again, I really enjoyed to teach you this lesson and I hope the same reaction from your side. So, once again, go through the lesson and fill the blanks, try to fill the blanks by your own. Okay students learn the spellings as well. Thank you. Good.